चलो पढ़ेंगे। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, टुडे आई विल स्टार्ट विद द क्लाइमेटोलॉजी। ओके, फर्स्ट आई विल टीच द बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड बी क्लियर दैट टुडे इज द बेसिक लेक्चर एंड यू शुड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज यू कैन आस्क मी, ओके, वन टाइम टू टाइम, देयर इज नो लिमिट, बिकॉज़ टुडे लेक्चर इज द बेसिक लेक्चर। And if you will understand today's lecture, then it is easy for you to understand the next topic of the climatology. Okay, means I can say in short that if you will understand today's lecture, introduction in literature, means it is not an introduction in literature, it is full of means terms and very much little technical things. If you will understand this, then I can say that you are going to cover climatology very fast. Okay. In better speed. Okay, so now let me start with a topic called climatology. First is atmosphere. Okay. Atmosphere is the mixture of the many gases. Okay. In addition, contained a huge number of solid plus liquid particles collectively called known as aerosol. Okay. AEROSOL. ठीक है. Atmosphere में क्या रहता है? Gases रहते हैं. Gases तो रहते ही हैं. साथ में क्या रहता है? साथ में solid particles, लिक्विड पार्टिकल, ये सबको अगर मिला जाए तो उसको बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, AEROSOL, एरोसोल। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये सॉलिड पार्टिकल कहां से आया, ठीक है, और ये वहां पर लिक्विड का क्या था। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर सॉलिड पार्टिकल रहेंगे ही नहीं एटमोस्फियर में तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं, और जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन या बारिश होगा ही नहीं। ठीक है, वाटर कहां पर आते हैं? देखिए, वाटर कहां से आएंगे? इवेपोरेशन। ठीक है, जो भी होता है वाटर इवेपोरेट होता है, जो भी मॉइस्चर जो ऊपर जाते हैं वो उसको बोलते हैं, मतलब वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर वहां पर सॉलिड पार्टिकल नहीं रहे, ठीक है, तो उसके अराउंड वाटर जो भी मॉइस्चर है वो सरफेस जो सॉलिड पार्टिकल है उसको ही वो सराउंड करके बैठा है, और जब तक वो सॉलिड पार्टिकल वो वाटर को सराउंड करके नहीं बैठेगा तब तक वो कंडेंसेशन होगा ही। ठीक है, कंडेंसेशन होगा ही। कंडेंसेशन मतलब क्या? देखिए, सबसे बेसिक चीज कि एयर कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, कैसे ट्रेवल करेगा वो? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर जहां पर गर्मी ज्यादा रहेगा वहां पर रहेगा लो प्रेशर, और जहां पर ठंडी ज्यादा रहेगी या गर्म कम रहेगा, इन शॉर्ट अगर जहां पर टेम्परेचर कम रहेगा तो वहां पर रहेगा हाई प्रेशर। ठीक है, व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर, high temperature, then there is low pressure. Like equator. ठीक है, like equator. Equator you conventional temperature को भी भूल जाओ। अभी एकदम zero। अभी यहाँ से एकदम zero में start करो conventional current की जरिए, क्या कुछ याद मत रखो, now you are zero। ठीक है, okay। When temperature is low, टेम्परेचर कहां पर लो रहेगा? क्लियर? इन पोलर रीजन ना, पोलर रीजन। तो यह प्रेशर विल बी हाई।
ठीक है, बेसिक रूल क्या कहते हैं, बोलते हैं कि विंड विल ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यही एस्पेक्ट हमारे जो मॉनसून, मॉनसून जब आता है तो यही एस्पेक्ट हमारे मॉनसून में भी लागू होते हैं। ठीक है, अगर ये एस्पेक्ट नहीं रहेंगे तो हमें मॉनसून मिले रहेंगे। ठीक है, तो ट्रेवल ऑफ विंड, और यू कैन से विंड, विंड मूवमेंट बेसिक यहां पर क्या रूल है, विंड ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या? यहां पर जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो प्रेशर लो रहेगा, और जब टेम्परेचर लो रहेगा तो प्रेशर हाई रहेगा। विंड ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इतना ठीक है। देखो अब जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, ये लैंड हीट अप हो रहा है, ठीक है, ये हीट हो रहा है, ये बहुत हीट लैंड है, सन के लाइट से वो हीट हो रहा है, इंसुलेशन ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ का जो ऊपर का जो एयर है, यहाँ का जो ऊपर का एयर है वो भी इसके साथ साथ हीट अप होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो लैंड है वो इतना हीट अप नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ का जो अगल बगल का जो लैंड है वो इतना हीट अप नहीं हुआ, तो जो इसके ऊपर जो एयर रहेगा वो कंपैरेटिवली ये दोनों साइड से ये ज्यादा हीट अप है। जब ये एयर, जब कंपैरेटिवली ये दोनों साइड से जब ज्यादा हीट रहेगा तो वो हल्का होगा और वो ऊपर उठेगा, ठीक है, वो ऊपर उठते जाएगा, ऊपर वो चलते जाएगा, फिर बाद में ऊपर वो जब तक जाएगा तब तक उसमें, जब तक उसमें मॉइस्चर मॉइस्चर है तब तक वो ऊपर को चलते जाए, ठीक है, अगर उसका मॉइस्चर खत्म हो गया देन इट अगेन कोलाइड ऑन द लैंड, ठीक है, फिर से वो आके गिर जाएगा जमीन पर, लेकिन अगर वो ऊपर जाते रहा और उसमें फिर भी अगर मॉइस्चर बचा है तो वो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते जाते जब उसका पूरा जब वो अगल बगल से वो कम हीट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, क्या चलता है कि जैसे ऊपर जाएंगे वैसे ऊपर का हीट बढ़ता है, ठीक है, जैसे यहाँ का हाइट बढ़ेगा वहां पर हीट भी बढ़ेगा, तो तब तक जो वो ऊपर का जो हवा है तब तक ऊपर बढ़ता रहेगा जब सराउंडिंग एटमोस्फियर से उसका हीट ज्यादा हो, ठीक है, अगर सराउंडिंग एटमोस्फियर में जाते जाते अगर उसका हीट कम हुआ और वो उधर से थोड़ा सा भी ठंडा हुआ तब वहां पर जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल रहते हैं तो उसके साथ मिलके वो कंडेंस होना चालू होता है, जब वो कंडेंस होगा तब वो वाटर वेपर से चेंज होगा वाटर ड्रॉपलेट्स में,
और तब होगा प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। ठीक है, ये बेसिक एस्पेक्ट। ठीक है, जब भी जमीन गर्म होगा तो उसके ऊपर का हवा जो है वो भी गर्म होगा, और जो उसका हवा है जब गर्म होगा तब वो हल्का होगा, जब हल्का होगा तो वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तब उसके जो एब्स के जो मॉलिक्यूल है वो और एक्सपेंड करेंगे, जब वो एक्सपेंड करेंगे जब ऊपर के एटमोस्फियर के कंपैरेटिवली में जब उसका जब हीट जो है उससे कूल रहेगा तब वो टाइनी पार्टिकल्स जो हम देख भी नहीं सकते सॉलिड पार्टिकल्स में वो सराउंड होगा और तब वो कंडेंस होगा। देन वाटर वेपर विल बी चेंज इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स में होगा तब वो भार जो ऊपर जो है वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए बहुत भारी हो जाएगा तब वो पूरा छोड़ देगा, और जब वो ऊपर ऊपर से नीचे आएगा तो उसको ही बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और यू कैन से द रेनफॉल। समझ में आया, समझ में आया यहां तक पक्का? ठीक है, ये था बेसिक। अब आगे सुनो, अब जो ये सब जो मैंने सिखाया ना ये मान के चलो कि ये गोल्डन रूल है, ये बेसिक है सबको समझ में आएगा, लेकिन ये गोल्डन रूल है। इसके ही बल पे हम लोग बड़े बड़े थियरी आज भी देखेंगे आगे भी देखेंगे। जो ये नीलू लाल मैंने बोला है वो ज्यादा इसके ऊपर ही बेस है, और जो आपको जो आ रहा है डाउट ओशियन करंट में वो वहां पर जाके पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये भी प्रेशर आएगा और वहां पर ओशियन करंट का भी वहां पर बहुत ज्यादा जिक्र आप लोगों को मिलेगा मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एटमोस्फियर इज द मिक्सचर ऑफ द मेनी गैसेस इन एडिशन टू द ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल कलेक्टिवली कॉल्ड एज एरोसोल। ठीक है, एरोसोल मतलब क्या रहता है, गैस प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड इन एटमोस्फियर इक्वल्स टू मींस नोन एज द एरोसोल। ठीक है, जब यहाँ पर बनेगा तब वहां पर क्लाउड फॉर्म कंडेंसेशन मतलब ऊपर जो भी हो रहा है वो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सॉलिड पार्टिकल के अगल बगल वो घिर पा रहे, ठीक है, उसको पूरा सराउंडिंग कर पा रहे और वहां पर वो पूरा कंडेंस हो रहा है, तब जाके वहां पर क्लाउड फॉर्म होगा और तब जाके वहां से रेनफॉल आएगा, तब जाके प्रेसिपिटेशन आएगा। यहाँ पर कंडेंसेशन का कहीं पर जिक्र नहीं है। जब मॉइस्चर जब ऊपर जाएगा तब वहां पर सॉलिड पार्टिकल के साथ वो कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद में क्लाउड फॉर्म होगा और क्लाउड फॉर्म होने के बाद में सब नीचे गिरेगा मॉइस्चर। लेकिन यहाँ पर कहीं पर मैंने कंडेंसेशन का जिक्र नहीं किया। ठीक है, मतलब वो क्लाउड जो बन रहा है वो प्रोसेस ही कंडेंसेशन है, वो प्रोसेस ही कंडेंसेशन है, तो मैंने वही तो मैंने बोला। लेकिन यहाँ पर मैंने कहीं पर मैं कंडेंसेशन का कोई जिक्र नहीं किया, इसके तो मैंने बोला गैसेस सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल टोटली नोन एज द एरोसोल। ठीक है, इसके तो एरोसोल मतलब ये सब एक ही जो बन रहा है वो आप प्रोसेस के बारे में बात करो, मैं प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब सॉलिड हो रहा था आप वेजिटेबल बना रहे और मैंने बोला कि ठीक है ये वेजिटेबल है, ये आप बोल सकते हैं, मतलब इसका नाम आप रख लो एरोसोल। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि जा भाई तू एरोसोल लोग लेके आ, तो आप ये चार पांच इंटीग्रेट आप मेरे पास लेके आओ। ठीक है, वो बनेगा, वो प्रोसेस बाद में आए कि हमें उसको गर्म करूंगा, ये द एटमोस्फियर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस इन एडिशन कंटेन अ ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल दिस ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज द एरोसोल। समझ में आया, मतलब यहाँ पे
सॉलिड के पहले मतलब सॉलिड फॉर्म हो रहा है एज अ क्लाउड ओनली, राइट? सॉलिड फॉर्म हो रहा है एज अ क्लाउड ओनली, उसके पहले सॉलिड नाम का चीज ही नहीं हो रहा है. क्यों नहीं? इवेपोरेशन. क्यों? नो नो सर, देयर इज इवेपोरेशन में सॉलिड नहीं रहता सर. वो इवेपोरेशन में सॉलिड नहीं रहता. बहुत सारा समझने के बाद एक क्लाउड बनेगा, तो दैट मे बी सम सॉलिड. उसके बाद फिर वो गिरेगा तो लिटरली वो एयर मॉलिक्यूल जमेगा कहां? सॉलिड को ही वो पकड़ेगा ना. सॉलिड ऊपर जाएगा कहां पर? टाइनी पार्टिकल. सो सॉलिड विल बी अ गैस पार्टिकल. ठीक है, नहीं सॉलिड पार्टिकल अलग रहे. सॉलिड पार्टिकल अपन बोल सकते हैं कि नथिंग सॉलिड से बोल रहा है ऐसा ऊपर चला गया, कोई तिनका रहेगा या कुछ भी रहेगा जो हम लोग को दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन वो गैसियस नहीं रहेगा. वो गैसियस नहीं रहेगा. सम सॉलिड पार्टिकल को पकड़ के वो कंडेंस करना चालू हो जाएगा, उसके अगल बगल में मॉइस्चर आने लग जाएंगे और तब वो आपस में बहुत सारे मॉइस्चर जुड़ेंगे, तब वो क्लाउड फॉर्म करेगा. मुश्किल मैंने सिर्फ बोला इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, गैसियस सॉलिड लिक्विड, इट इज नोन एज द एरोसोल. मैंने वो नहीं बोला कि वो तैयार होने के बाद में जब वो क्लाउड बनेगा तो उसको एरोसोल, वो तैयार होने के बाद में उसकी तो बोलते हैं कि गैसियस क्लाउड या टाइप्स ऑफ क्लाउड. पहले जब वो रॉ में रहेगा तो उसको एरोसोल ही बोलेंगे. समझ में आया? जब वो रॉ में रहेगा एरोसोल, और जब वो तैयार होके प्रोसेस होके कंडेंस होके जब वो पूरा फॉर्म हो जाएगा तब जो भी गैसेस है, तो 99% को ये दो लोग ने कैप्चर किया, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन. ठीक है, 99% नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सो दैट द स्काई इज ड्राई एयर एंड क्लीन एंड क्लियर. एंड 1% में जो भी रहता है ऑर्गेन या कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन नियॉन हेलियम एक्सेट्रा, वो सब 1% में आए. ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? ये प्रीलिम में पूछा गया सवाल. नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन कितने? 78.08. ऑक्सीजन कितने? 20.95%. और फिर बाद में आएगा आर्गन जो है 0.036%. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और भी लंबा है, बट नॉट ओनली ये ऊपर में टिक याद रखो, इट इज द मेन वन. ठीक है, टेलियम में इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, ओके. और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? CO2 इट इज ऑल्सो 0.036. ठीक है, और ये नहीं मिली, यहाँ पर मैं रॉन्ग कर दिया. इट इज नॉट 0.036, इट इज 0.0, इट इज 0.93. तो ये कॉम्पोजिशन N2 तो नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, argon is 0.93 and carbon dioxide is 0.036. Okay. Dust particles are generally found in the lower layer at atmosphere. ठीक है, of course dust particle में इतना दम तो है नहीं कि वो इतना ऊंचा जाएगा, upper layer में जाएगा, वो lower layer में हम लोग को मिलेगा. Dust particles are formed in the form of sand plus smog, or you can say the ocean salt. ठीक है, जो भी आपका doubt था कि dust particle आते कहाँ से, तो यहाँ से आते हैं. Sand, जो मैंने बोला था sand, or you can say smog. ठीक है, smog और ocean salt से. ठीक है, क्योंकि जब भी वो evaporation, वो जो जिसका power evaporation जब होता है तो ऑशन से भी लेता है, तो उसके वजह से सॉल्ट भी वहां पर जाके जो भी
हम लोग दिखाई नहीं देते रहेंगे, पार्टिकल वहां पर जाके बैठते रहेंगे, बट दे आर नॉट एट द अपर लेयर, इट इज ऑन द लोअर लेयर. ठीक है, चालू है उसमें कैमरा Does particle help in condensation of water vapor? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि does particle help in condensation of water vapor? During condensation, water vapor get condensed in the form of droplets around the dust particle. ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो भी condensation होगा वो dust particle के around होगा, उसके अगल बगल में होगा, तो जैसे वो बनेगा droplets. ठीक है, ड्यू टू दिस प्रोसेस द क्लाउड आर फॉर्म एंड द प्रेसिपिटेशन इज पॉसिबल. प्रेसिपिटेशन मतलब जो भी ऊपर से गिर रहा है, स्नोफॉल भी हो सकता है, रेनफॉल भी हो सकता है, लेकिन वो हैवी रेन नहीं रहता. ठीक है, हैवी रेन इट इज नॉट अ प्रेसिपिटेशन, इट इज अ टाइप ऑफ, लेकिन उसको हम लोग एग्जैक्टली हम लोग प्रेसिपिटेशन नहीं बोल सकते. प्रेसिपिटेशन इज एनीथिंग व्हिच फॉल्स, जैसे कि स्नोफॉल हो गया, स्लो रेनफॉल या ड्रॉपलेट्स कहीं पर बारिश के थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक है, ऐसे जैसे कि अगर अरब साइड या दुबई साइड में अगर बारिश हुआ तो उन लोग उसको रेनफॉल नहीं बोलते, उन लोग उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक है, प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन मतलब इतना नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, हुआ है थोड़ा सा. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी है, आगे भी पूछे जाएंगे, तो फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर. ठीक है, यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर बना यू विल फाइंड विद दिस. एटमोस्फियर स्ट्रक्चर है. ठीक है, अर्थ का लेयर वो क्रस्ट और कोर है, एटमोस्फियर वो एटमोस्फियर है, जितना भी हमें दिखा रहा हूँ वो तो एटमोस्फियर ऊपर ही जाएगा. यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फियर. पर आएगा मेसोस्फियर. यहाँ पर आएगा थर्मोस्फियर. ठीक है, अब देखिए कि ये दोनों के बीच में ना ये जो मैंने बाउंड्री बनाया, ये जो ब्लू कलर का वो बाउंड्री होता है, लेकिन सब बाउंड्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है नहीं जितना कि ये वाला बाउंड्री इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत सारा रोल रहेगा आगे भी चल के. जब मैं आपको वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एडली सेल ये सब टाइप ऑफ सेल जब भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो ये वाला जो है ना ये वाला बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूं कि एक दो तीन चार, चार आपको याद नहीं रखने, आपको पांच याद रखना. ठीक है, एक तो ये एक, ये दो, ये तीन, एक चार, एक पांच. ठीक है, बाउंड्री तो सब जगह,
लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं, सब कुछ काम नहीं है, सबसे ज्यादा काम इसका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एटमोस्फियर, ठीक है। वो कैसे मैं आपको आगे में बताऊंगा। इसका नाम है ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज, ठीक है। इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ट्रोपोपोज को क्रॉस करके कोई भी एयर इसको क्रॉस कर ही नहीं सकता, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद में उसको नीचे आना ही है। कोई भी एयर कितना भी मजबूत किया, उसके पास कितना भी मॉइस्चर रहने दीजिए, वो इसको क्रॉस कर ही नहीं सकता। कितना किलोमीटर रहेगा अपने लैंड से? अपने लैंड से इतना तो हाँ, 8 to 18 किलोमीटर, 8 to 18 किलोमीटर अपने रास्ते से लेके ऊपर करेगा। तो कितना भी वो एयर में मॉइस्चर रहने दो, ये जो ड्रॉप ऑफ पोज है वो उसको क्रॉस कर ही नहीं सकता। यहाँ पर जाने के बाद उसको नीचे आना ही आता। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए मैंने इसका यहाँ पर जिक्र किया है। तो आपको 5 याद रखना, ठीक है, 4 याद नहीं रखना, 5 याद रखना, ठीक है। तो एक के बाद एक हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है। हाइट इसका है, हाइट 8 किलोमीटर एट पोल, 18 किलोमीटर एट इक्वेटर, ठीक है। 8 किलोमीटर एट पोल, 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। लेकिन ऐसा क्यों? Why like? क्योंकि ये हमने पोल में लिखा था। पोल पे सिर्फ 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। Why like? क्योंकि इक्वेटर पे ऑफ कोर्स ज्यादा इंसुलेशन होता है, ज्यादा इंसुलेशन होगा तो वहां का एयर भी ऊपर भाएगा, ऊपर जितना वो ऊपर फेंकेगा तो वहां पर फाउंड होगा क्यूलिनिम्बस क्लाउड, ठीक है, क्यूलिनिम्बस क्लाउड। और जो हम लोग पोल की बात करें तो वहां का जो एयर है वो डेंसर रहता है, तो इसके लिए वहां पर 8 किलोमीटर वो इतना ऊंचा तक नहीं जाएगा। तो इसके लिए पोल के ऊपर 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेटर पे कौन सा क्लाउड फॉर्म होता है, तो क्यूलिनिम्बस क्लाउड, ठीक है, क्यूलिनिम्बस क्लाउड। यहाँ पर भी टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इंक्रीज, ठीक है। क्यूलिनिम्बस क्लाउड पोल पे नहीं होगा, नहीं ना, क्योंकि वहां पर सी क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, हीट के वजह से। पोल पे तो कोल्ड रहता है ना, पोल भी इतना समय कहां से पहुंच गया, तो वहां पर तो जो है सन है वो उसका तो डेंसिटी वहां पर तो ज्यादा रहता है, तो डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो फैलेगा कहां, वो ऊपर कहां पर उठेगा, जो इक्वेटर पे वो उसको तो ज्यादा हीट मिल रहा है, वहां का एयर ज्यादा गर्म हो रहा है, इसके लिए वो ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, वो और हल्का हो रहा है, तो ऊपर उठेगा, जितना ऊपर उठेगा तो उतने वो कंडेंस होता जाएगा। जब वो कंडेंस होगा डस्ट पार्टिकल के साथ या सॉलिड पार्टिकल के साथ, तब वो बनाएगा क्लाउड, बीच क्लाउड इज नोन एज द क्यूमुलस क्लाउड। इसके लिए बोलते हैं कि इक्वेटर को ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है, इक्वेटर को ज्यादा बारिश मिलता है, हमेशा ज्यादा बारिश मिलता है। लेकिन और एक पॉइंट है, जो लोग बोलते हैं कि इक्वेटर सबसे गर्म इलाका है, तो ये बात बिल्कुल इक्वेटर, हाँ मैं ये बोलता हूँ कि इक्वेटर का एवरेज जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है, लेकिन वो हर एक साल गर्म रहता है, मतलब 365 दिन तो वो एकदम गलत है, उसके गर्म रहता है आईडी सीजन, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बेसिक फीचर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस आर ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन मतलब क्या, जो भी सन फेंक रहा है लाइट में फेंक रहा है, जो भी वो लाइट फेंक रहा है, ठीक है। मैंने एक टर्म्स में आपको बताया था, शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव, जो भी सन फेंकेगा वो शॉर्ट वेव, और जो भी जमीन से टकरा के ऊपर जाएगा वो रहेगा लॉन्ग वेव, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस तो एब्जॉर्ब करते हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस दे एब्जॉर्ब ना, लेकिन जो सनलाइट से जो इंसुलेशन आते हैं शॉर्ट वेव, वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, दे आर ट्रांसपेरेंट टू द इंसुलेशन, ठीक है। ये सब कहां पर हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर पे हो रहा है ना, जो भी ये शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव जो भी हो रहा है तो वो सब यहां पर हो रहा है,
ठीक है. सो यर ग्रीन हाउस गैस आर ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन. जो भी लाइट से जो भी शॉर्ट वेव आ रहा है, सन से जो भी शॉर्ट वेव आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस नहीं कर सकता. दे आर ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव. ठीक है, इसके लिए वो जमीन पे आता है और कुछ देर के बाद जमीन से बाउंस बैक होके वो ऊपर वो फिर से जाता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. इट इज द लॉन्ग वेव. और जब वो लॉन्ग वेव जब यहां से गिर के जमीन से टकरा के जब वो ऊपर जाएगा लॉन्ग वेव, तो उसे ग्रीन हाउस गैस उसे एब्जॉर्ब कर पाता. ठीक है, पहले ग्रीन हाउस गैस शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. इट इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है, पहले जब शॉर्ट वेव आएगा तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसे वो पार कर जाता है. और जब वो ग्राउंड से आके टकराता है और जब वो फिर से ऊपर की तरफ फेंकता है, तब वो क्या बन जाता है? लॉन्ग वेव. एंड दिस इज अब्सॉर्ब. ये एब्सॉर्ब हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस इसे एब्सॉर्ब कर देता है. ठीक है, ना समझ में आया? तो इसके लिए बोलते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, देयर इज द टेम्परेचर डिक्रीज एज द हाइट इंक्रीज. ठीक है, हीट बाय terrestrial radiation long wave absorbed by the greenhouse gas. Terrestrial मतलब जो भी यहाँ से वो बाउंस कर रहा है उसको बोलेंगे terrestrial radiation. ऊपर से क्या आ रहा है? इंसुलेशन. रॉक के ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन गिर रहा है, रॉक मतलब रॉकी. ठीक है, रॉक नहीं मतलब लैंड, कुछ भी लैंड. ठीक है, ऊपर से आया उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन. इंसुलेशन मतलब शॉर्ट वेव वो जो भी फेंक रहा है. और यहाँ से जब वो टक्कर खा के जब वो ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग वेव. लॉन्ग वेव आर एब्सॉर्ब बाय द सन बट द शॉर्ट वेव आर ट्रांसपेरेंट टू द ग्रीन हाउस गैस. और जो भी लॉन्ग वेव वो होके जाएगा तो वो इट इज एब्सॉर्ब बाय द कार्बन ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, शॉर्ट वेव इज नॉट एब्सॉर्ब, लॉन्ग वेव इज एब्सॉर्ब. ठीक है, अगर धरती शॉर्ट वेव को ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा देन इट विल बी द हॉट एज द बॉल. ठीक है, इट विल बी द बॉल ऑफ द हॉट. ठीक है, वो गर्म पैन के जैसा हो जाएगा. और अगर वो तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल बी द कूल बॉल. ठीक है, इसके लिए वो जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करता, कुछ समय तक अपने पास रखता है, बाद में उसे वो रिफ्लेक्ट करता है ताकि बैलेंस कोल्ड और हीट का बना रहे. ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है. लॉन्ग प्रोसेस में इवेपोरेशन होगा. फिर ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता होगा कि क्या अर्थ जल्दी उसको बाहर फेंकता है? वैसा नहीं रहता. नहीं, थ्रू आउट द वो कहीं पर भी गिरेगा तो जब वो बाउंस करेगा तो वो लॉन्ग वेव भी कह रहा है. ठीक है, फिर से वो बाउंस होकर जब ऊपर जाएगा तो वो लॉन्ग वेव भी कह रहा है. ठीक है, थ्रू आउट द इट इज नॉट एट द इक्वेटर. थ्रू आउट द मतलब थ्रू आउट द ट्रोपोस्फीयर. ठीक है, जहां तक ट्रोपोस्फीयर है वहां तक ये काम करेगा, मतलब जिस लेवल तक है वहां तक ये काम करेगा ही करेगा. ठीक है, ऑल वेदर फिनोमिना कितने भी है वो यहाँ पर ही होंगे, जैसे कि रेनफॉल, साइक्लोन, जो भी है वो इसके ही प्रभाव से होंगे. रेनफॉल इसके वजह से ही होगा. ठीक है, यहाँ पर ही होगा, यही एटमोस्फियर के लेयर पे ही होगा, ऊपर नहीं होगा. जो भी होगा यहाँ पर ही होगा, ट्रोपोस्फियर पे ही होगा. जो भी वेदर फिनोमिना है वो सब यहाँ पर ही होगा. रेनफॉल, साइक्लोन, इवन से एंटी साइक्लोन, ठीक है, जो भी है वो सब यहाँ पर ही होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा. क्लियर है? अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोपोपोज. इट इज द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर. इट इज अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर. इट इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. इट इज मार्क्ड बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, इसका हीट बहुत रहता है. इसका हीट बहुत रहता है क्योंकि इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो इसके ऊपर क्या रहता है? ओजोन लेयर. ठीक है, यहाँ पर मिलता है ना ओजोन लेयर, यहाँ पर मिलता है ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर सब हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इट इज एब्जॉर्ब.
तो इसके लिए मैं बोला कि कोई भी एयर रहेगा वो इसको पार नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, कंपेरेटिवली उससे जो भी मैंने बोला वो जो एयर इतना मॉइस्चर लेके जा रहा है हॉट एयर, तो इसको पार नहीं कर पाएगा, इसके सामने जाते जाते वो उससे कंपेरेटिवली ये कूल बन जाए तो हमारे कंडेंस होगा और वो छोड़ जाएगा, मतलब जो भी है क्लाउड बन के रेनफॉल हो जाएगा और अगर उसमें मॉइस्चर नहीं पाती है तो फिर से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ओके। इधर समझ में फिर बाद में बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इंक्रीज बिकॉज ऑफ अभी बोला था बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर देयर इज नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पर कोई भी वर्टिकल विंड जो भी रहेगा जो ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला विंड तो यहाँ पर है ट्रोपोस्फीयर पे, ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेगा, इसके लिए जो भी प्लेन फ्लाई करते हैं प्लेन्स चाहे जो भी जहाज है वो सीधा यहाँ पर ही फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन जहाँ पर ही फ्लाई करेंगे वो यहाँ पर ही फ्लाई करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन क्यों फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्यों फ्लाई करते हैं बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल विंड्स, ठीक है, वर्टिकल विंड मतलब जो भी यहाँ पर चल रहा है वर्टिकल मतलब कैसे है सीधा ऊपर नीचे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था प्रेशर, वर्टिकल मतलब क्या, वर्टिकल मतलब समझ लो कि जो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, वहां से ठंडा होकर वो नीचे गिर रहा है, तो ये सब जो भी है वो यहाँ पर नहीं हो, हाँ यहाँ पर यानी नो वर्टिकल विंड, ठीक है, ये एकदम मतलब यहाँ पर सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज का वो जो भी ओजोन लेयर रहेगा बस यहाँ पर वही रहेगा, तो इसके लिए ट्रेन को यहाँ पर उठने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली उन लोग को सब दिखाई देता है तो वो आराम से अपना फ्लाई डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, अगर ठीक है। अब आएंगे मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर हियर इज एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर हियर इज द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसके लिए टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल, यहाँ पर हम जैसे ऊपर जाएंगे वहां पर टेम्परेचर फॉल होगा बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस तो यहाँ पर है ना ज्यादातर यहाँ पर है ना, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर तो ग्रीन हाउस गैसेस तो है ही नहीं, तो इसके ऊपर जैसे हम जाएंगे यहाँ पर तो टेम्परेचर तो गिर नहीं गिर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर तो गिरेगा ही ना क्योंकि यहाँ पर तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गिरेगा बिकॉज देयर इज ग्रेजुअली फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर, समझ में आया, हाइट इंक्रीज होगा यहाँ पर मेसोस्फीयर में तो टेम्परेचर गिरेगा ग्रेजुअली फॉल, यहाँ पर आप लोग को गर्मी इतना नहीं लगेगा, ठीक है। मीटोराइट्स आपने सुना मीटोराइट्स बर्न होता है, तो मीटोराइट्स यहाँ पर ही बर्न होता है मेसोस्फीयर में, हाँ मेसोस्फीयर में वो हवा से क्रश करके वो जो भी होता है कंडेंस को आग लग जाता है वो बर्न यहाँ पर ही होता है, ठीक है, तो मीटोराइट्स यहाँ पर ही बर्न होता है एंड जो भी स्टार जो भी बर्न होता है वो सब यहाँ पर ही होता है, तो यहां पर आएगा नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड यहां पर फॉर्म होगा, ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड यहां पर फॉर्म होगा, टाइप्स ऑफ क्लाउड कैसे फॉर्म होता है क्यों फॉर्म होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बस इतना याद अभी के लिए रख लो कि जो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड है वो कहां पर फॉर्म होगा मेसोस्फीयर, ठीक है, ओके। डेवलप ओनली इन समर, ये जो क्लाउड है इट्स डेवलप ओनली इन समर, विजिबल एट अ हायर एल्टीट्यूड ओनली, कंडेंस ऑफ द मिक्सचर ऑफ मेटेरॉइड डस्ट एंड सम मॉइस्चर, ठीक है, ऊपर सैंड पार्टिकल कहां से आए जो भी मीटोराइट जो यहाँ पर बर्न हो रहे उसके कुछ पार्टिकल्स आ गए तो वहां पर कुछ सम मॉइस्चर पहुंच वहां पर कुछ मॉइस्चर रहेंगे तो वहां पर फिर से वही होगा जो मैंने यहाँ पर बोला था उसको सराउंड करे थे कंडेंस करेंगे और कंडेंस करके
दे विल फॉर्म नो प्रेसिपिटेशन काम हो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं सकता यहाँ पर क्या होगा फॉर्म करेंगे नॉक्टिल्यूशन क्लाउड कहाँ पर आएगा लिथोस्फीयर फिर बाद में आएगा लास्ट मनी थर्मोस्फीयर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द आयोनिक स्टेट पॉजिटिव ठीक है यहाँ पर जो भी गैसेस हैं वो एकदम आयोनिक स्टेट में रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव क्योंकि जो भी यहाँ पर गैस रहेंगे ऊपर तो और कुछ हीट तो है ही नहीं ठीक है यहाँ पर उन लोग को कुछ प्रेशर नहीं है उन लोग को और खाली जगह मिले तो जो गैस है वो अपने मॉलिक्यूल्स और एक्सपांड करेंगे ठीक है और एक्सपांड करेंगे लेकिन यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर वो आयोनाइज पार्टिकल्स में रहेंगे जो वो काफी चार्ज रहेगा काफी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा बिकॉज ऑफ सनलाइट रेज वहां के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा फैले रहेंगे क्योंकि उन लोग को ऊपर तो कुछ दबाव है नहीं ज्यादा फैले रहेंगे लेकिन जो यहाँ पर रहेगा वो आयोनिक स्टेट में रहेगा विच इज ए पॉजिटिव क्यों होगा बिकॉज ऑफ द सनलाइट रेज क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सनलाइट ऊपर पड़ रहा है और अपने जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो तो और फैले तो वो आयोनाइज स्टेट में रहेंगे वो और पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो इंसोल्यूशन रहता है इंसोल्यूशन यहाँ पर ट्रैप हो जाता है ज्यादा इंसोल्यूशन है यहाँ पर ट्रैप हो जाता है क्योंकि जो एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो तो और वास्ट है वो फैले ठीक है तो ज्यादा उसे ट्रैप कर पाते जब ज्यादा ट्रैप होगा तो और आयोनाइज होगा और वो पॉजिटिव होगा ठीक है तो इसके लिए जो हम लोग बोलते हैं ना कि रेडियो वेव रेडियो कहाँ से हम लोग किसकी मदद से सुन पाते तो वो थर्मोस्फीयर सैटेलाइट भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा सैटेलाइट भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा इसके लिए तो उसके वजह से हम लोग सुन पाते सैटेलाइट भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा ठीक है आयोनाइज यहाँ पर जो भी एनर्ज रहता है वो 80 किलोमीटर से लेके आयनोस्फीयर ठीक है 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक रहता है इसका एटमॉस्फेयर नहीं यहाँ पर जो भी उसका एक स्फीयर रहता है आयोनाइज स्टेट का इसको बोलते हैं आयोनाइज स्फीयर वो इसमें ही रहता है उसका हाइट 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक रहता है मैंने क्या बोला हाँ सी यहाँ पर वो रहता है आयनोस्फीयर की बोलते हैं कि उसका जो है आयोनाइज पार्टिकल रहता है तो उसको एक बोलते हैं उसको एक नाम देगा आयनोस्फीयर तो वो उसका हाइट मैंने बोला उसका हाइट रहता है 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक ठीक है हाँ बस और कुछ नहीं वो एक समझ लो कि उसके आयोनाइज जो गैसेस है चार्ज तो उसका हाइट एक किलो में एक ओवरऑल आप लोगों को बताया ठीक है ओके समझ में आ रहा है ठीक है यूजफुल इन रेडियो कम्युनिकेशन इट इज मोर इन डे बिकॉज ऑफ सनलाइट एट नाइट ओनली कॉस्मिक रे तो यहाँ पर आयोनाइजेशन वीक रहता है रात को आयोनाइजेशन वीक रहता है क्योंकि रात को सनलाइट इन लोग को लाइट मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक रेज रहते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपना थोड़े से चार्ज पार्टिकल रहते हैं लेकिन रात को जो आयोनाइज रहेगा यहाँ पर वो वीक रहेगा और डे टाइम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा बिकॉज ऑफ सनलाइट रेज ठीक है और जो भी हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं वो सैटेलाइट यहाँ पर ही मिलता है और जो भी वो रहते हैं ना ऑरोरा योरोरा ठीक है तो वो यहाँ पर ही हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लैब ठीक है और इसका डिस्टेंस तो तेरे का सर ट्रोपोस्फीयर एक 20 किलोमीटर डिस्टेंस तो सबको ही बताना है ना स्ट्रेटोस्फीयर टू मेसोस्फीयर कितना मदद से उसको तो भी उसका लिखा नहीं है अब सेम फिर बाद में इसके ऊपर और एक आता है वो एक आता है एक्सोस्फीयर ठीक है इसके ऊपर और एक आएगा वो आएगा एक्सोस्फीयर
थर्मोस्फीयर के ऊपर ऑर्बिट आएगा एक्सोस्फीयर, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ लाइट गैस, यहां पर लाइट गैस लाइक अ हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोटिंग इन द स्पेस फ्रॉम हियर, ठीक है, जो भी लाइट गैस रहता है हीलियम और हाइड्रोजन स्पेस स्पेस में वो यहां से फ्लो करते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन दे आर व्हाट आर लाइट लाइट गैस और वो स्पेस में यहां से फ्लो करते हैं, ठीक है, ओके. Temperature gradually increase, it is exposed to the direct sunlight. ठीक है, ये तो सीधा expose होगा sunlight से, तो यहाँ पर temperature increase होगा जैसे जैसे हम लोग का ऊपर height increase होगा, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर temperature increase होगा because of directly exposed to sunlight. Okay, not feel warm, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इतना गर्म फील नहीं होता क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं एयर के वो और एक्सपांड होके रहते, ठीक है, वो और खुला रहते और एक्सपांड होके रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइट तो बनेगा लेकिन हम लोग को वार्म फील नहीं होगा, ओके. फिर बाद में वही गैस आर वेरी स्पार्स इन दिस स्पेस ड्यू टू द लैक ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जब नीचे रहता है तब जाके अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का इधर तक जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मतलब कि वो ज्यादा ये यहां से इसका डिस्टेंस खत्म होता है, मतलब इसके ऊपर भी रहता है लेकिन ज्यादा उसका दबाव यहां पर ही रहेगा, ट्रोपोस्फीयर पे ही रहेगा. और जैसे सर अर्थ के आगे से मून का भी तो सी मून भी तो वर्ल्ड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेटोस्फीयर में ये घूमता चला रहा हूं मैं, राइट, रखने में ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर तो इसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ग्रेविटी कम होना चालू हो जाएगा और यहाँ पर जाके सीधा वो मतलब उसके ऊपर एयर के ऊपर कुछ इफेक्टिव नहीं गिरेगा, तो अगर अगर यहाँ तक रहता है और यहाँ पर वो इतना ज्यादा नहीं रहता क्योंकि अगर इतना ज्यादा रहता तो एयर मॉलिक्यूल इतना वो एक्सपांड ही नहीं करता, ठीक है, वो इतना एक्सपांड कर पा रहा है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर उसका चल रहा है लेकिन फिर भी कम चल रहा है, बहुत कम चल रहा है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक आता है तो वो एयर को वो इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अगर वो एयर को कंट्रोल कर पाता तो यहाँ पर आके यहाँ से ही चालू हो जाए वो अपने आप को एयर इतना एक्सपेंड नहीं कर पाता. अगर मैं बोलूं कि एयर अपने आप को यहाँ से वो अपने आप को एक्सपेंड करना चालू कर दे, यहाँ से ही एयर अपने आप को एक्सपेंड करना चालू कर दे, एयर अपने आप को यहाँ पर ही वो ज्यादा एक्सपेंड करना चालू कर दे. लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वहां पर इफेक्ट मिल रहा है सीधा एयर पे मिल रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट सीधा कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, वो सीधा एयर पे देखने के लिए मिल रहा है और ऊपर ऊपर जाते जाते वो और अपने आप को एक्सपेंड कर पा रहा है, एक्सपेंड तो वो दोस्तों यहाँ से ही करना अपने आप को चालू कर दे और जैसे जैसे आप ऊपर जाओ वो और एक्सपेंड करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका एक लिमिट होता है ग्रेविटी की, ग्रेविटी तो है लेकिन एयर के ऊपर कहाँ तक इफेक्ट कर पा रहा, हाँ, तो जहां पर वो एयर का इफेक्ट कम पड़ेगा वहां पर वो अपने आप को ज्यादा वो एक्सपांड वो करेगा ही करेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि एयर भी तो अपने आप को हल्का वो कर पाता है बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल, तो वो भी तो जब वो हल्का है तो ग्रेविटी और उसको कितना खींचेगा, और उसको कितना खींचेगा, आप एक प्लास्टिक छोड़ के देखो अगर ज्यादा हवा बह रहा है आप ऐसे छोड़ के कितना दूर क्यों जाना, हॉट बलून है
हॉट बलून एयर के ऊपर ग्रेविटी का काम क्यों नहीं करता? व्हाई? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर जो हॉट एयर है वो अगल बगल से, वो हॉट एयर का टेम्परेचर, हॉट एयर बलून का टेम्परेचर ज्यादा है, वो इसके लिए हल्का है, इसके लिए वो आसमान में उड़ता है, तब तक उड़ेगा जब तक उसके अंदर का गर्म एयर खत्म नहीं हो, जैसे ही खत्म का वो सीधा आके जमीन पे गिरे, ठीक है? इतना दूर क्यों जाना? आप ये हॉट एयर बलून का भी एग्जांपल ले, यहाँ से छोड़ना दूर तो ना जब जमीन पे गिरे वो तो ऊपर भागते जाए, उससे उससे भी नहीं काम करेगा बिकॉज ऑफ द हॉट एयर, हॉट एयर नहीं बल्ब करेगा ना वो अंदर, तभी तो ऊपर जाएगा। फिर बाद में बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एटमोस्फियर ऑन अर्थ, ठीक है? अब इसके बाद में जो आया इसके ऊपर बहुत ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल, यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज हो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है? हर ऑफ एयर, यहाँ पर एयर की बात हो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब वही होता है प्रेशर, प्रेशर ग्रेडिएंट, यहाँ पर प्रेशर कम, यहाँ पर जो भी मैंने पहले सिखाया था मैंने आप लोगों को, चलिए बोलिए फटाफट से। एयर का सिखाऊंगा वर्टिकल मूवमेंट वो काफी वास्ट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। पहले आपको सिखा देता हूँ ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फियर ऑन द अर्थ। अर्लियर अर्थ टेम्परेचर हैज द ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। छोड़ के अर्थ को मतलब ठीक है, एक सिंपल शब्द में बोलूं तो हेलियम और हाइड्रोजन, ठीक है? ड्यूरिंग द अर्ली ऑफ द अर्थ एक्सटेंसिव वोल्केनो डीगैसिंग ऑफ द नाइट्रोजन सल्फर वाटर वेपर आर्गन CO2 कम अप, ठीक है? ये सब जो भी है वो सब बाद में जब वोल्केनो ज्यादा इरप हो रहा है, ठीक है? तब फिर बाद तब जाके इन लोगों का डीगैसिंग चालू होगा। हेलियम और हाइड्रोजन तो पहले एस्केप कर गए थे, लेकिन अब जो आएंगे ये थोड़े से उनके कंपेयर से ये ज्यादा हैवी रहेंगे, ठीक है? ज्यादा डेंसर रहेंगे, तो अब इन लोगों का जो है डीगैसिंग होना चालू हो गया। किनका? नाइट्रोजन सल्फर वाटर वेपर आर्गन एंड CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? वाटर वेपर कंडेंस, वाटर वेपर जब निकलेगा इतने गर्मी में, वोल्केनो तो निकल रहा है, तो वो फिर से होगा कंडेंस, फिर से होगा क्लाउड फॉर्मेशन, फिर बाद में होगा रेनफॉल एंड इट विल वॉश द बल्क ऑफ CO2। ऑफ कोर्स CO2 इज डिसॉल्व इन वाटर, इट विल वॉश द बल्क ऑफ CO2 इन ओशन, सो नाउ वी कैन सी CO2 इज 0.036 ना, 0.036 या 96 36% ठीक है? नहीं तो पहले इससे ज्यादा ही था, जो रेनफॉल हुआ उसको धोके लेके गया, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो अभी इतना इतना कम, अभी तो इतना हम लोगों ने बढ़ाया, नहीं तो पहले इससे भी कम। ऑक्सीजन प्लस साइनोबैक्टीरिया मेड अ ऑक्सीजन स्टेबल ऑन अर्थ, मतलब एक साइनोबैक्टीरिया उस टाइप का कुछ अलग टाइप का कुछ बैक्टीरिया रहा होगा, इट्स नॉट विजिबल बाय द ह्यूमन आईज, उस टाइम का कुछ ऐसा बैक्टीरिया रहा होगा जो ऑक्सीजन में मिल के उसको अर्थ के लिए स्टेबल करके गया, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया उस टाइम का रहेगा जो जब वो डीगैसिंग हुआ रहेगा, डीगैसिंग में से वो निकला रहेगा साइनोबैक्टीरिया, और तब वो ऑक्सीजन के साथ मिल के उसको स्टेबल कर दिया अर्थ के लिए, ठीक है? अर्थ के लिए हुआ, तब जाके ऑक्सीजन स्टेबल हुआ ड्यू टू द साइनोबैक्टीरिया। ऑक्सीजन प्लस साइनोबैक्टीरिया हैज स्टेबल द ऑक्सीजन ऑन अर्थ, ठीक है? फिर बाद में अब बात करते हैं
मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, ये समझ में आ गया, देन यू विल बी गुड इन द क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर वही जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां पर प्रेशर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तब प्रेशर बढ़ेगा, विंड विल ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, और लो प्रेशर लीड्स टू द प्रेसिपिटेशन, जैसे कि मैंने थोड़ा सा लो प्रेशर भी होता है ना, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, लो प्रेशर से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप से मूव करेगा, फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में व्हेन देयर इज द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, वही जैसे भी मैंने आपको बोला कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो भी वो वेट कर ट्रेवलिंग होता है उसको ही बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ स्पीड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ horizontal movement of wind when it will travel from high pressure to low pressure, it is the horizontal movement of wind, ठीक है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, एडिविक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे एडिविक्शन, एडिविक्शन जो भी मैंने इतना जगह तक बोला, BEC ADVECTION, तो इसको ही बोलेंगे एडिविक्शन, ठीक है, एडिविक्शन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रेवल करेगा उसको ही बोलेंगे एडिविक्शन, और आगे जो भी आपको टर्म्स आएंगे तो मैं हमेशा में यही नहीं बोलने वाले कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहां पर मैंने नाम लिया एडिविक्शन तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए बीम इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विच इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लेकिन हॉरिजॉन्टल उसका रहेगा, ठीक है, जो भी ट्रैवल वो करेगा हॉरिजॉन्टल उसका मूवमेंट रहेगा, और वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर चेंज आते हैं वो मैं आपको अभी बता दूं, इसके बाद ही है यहाँ तक, ठीक है, हाँ। तो समझ में आया, एडिविक्शन किसको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड from air move from high pressure to low pressure, इसको बोलेंगे एडिविक्शन, ठीक है। अब जो आएगा वर्टिकल मूवमेंट उसको बोलेंगे कन्वेंशन, कन्वेंशन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, CUNVECTION, अब इसको बोलेंगे कन्वेक्शन, तो यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल हॉट एयर बलून, कन्वेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हॉट एयर बलून, हॉरिजॉन्टल का वही प्रेशर ही है, प्रेशर एग्जाम्पल का सोचो, तो कौन सा है, सोचो मानवीय ड्रोन, वो कैसे एडमिशन और ये है कन्वेक्शन, ठीक है, उधर पानी जाता है और यहाँ पर ज्यादा ज्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने हॉट हॉट एयर बलून का एग्जांपल दिया है, जब एयर ऊपर उठेगा तभी तो बारिश होगा, तभी तो आएगा इंस्टेबिलिटी, साइक्लोन आएगा वो कैसे आएगा,
बारिश की जो भी लोग तो कैसे हो इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट करेगा वर्टिकल फोटोग्राफ अपलोड करें तो है ना इंस्टेबिलिटी बादल थोड़ा बादल काला होंगे बाद में वो करेंगे थंडर आएंगे गिरेंगे बारिश ठीक है तो बोलते हैं कन्वेक्शन है इंस्टेबिलिटी है ठीक है देन द एयर गेट हॉटर देन द साउंड मॉइस्चर ठीक है ऑफ मॉइस्चर ठीक है मॉइस्चर है वो जाके ऊपर उठेगा ठीक है जब ऑफकोर्स उसको अगर समंदर के ऊपर से वो जा ठीक है अभी एक यहाँ पर लैंड है यहाँ पर सी है ठीक है यहाँ से वो गुजरा गुजरते समय यहाँ से वो मॉइस्चर उठा लिया मॉइस्चर उठा लिया ठीक है हाँ ठीक आया यहाँ पर हीट है लैंड लैंड हीट है यहाँ पर ये बढ़ गया अब ये भी गर्म हो गया जब गर्म हो गया ये हल्का हो गया ये अपने आप को एक्सपेंड करने लग गया तब ये उठेगा ऊपर अब यहाँ से चालू हो गया उसका वर्टिकल मूवमेंट ठीक है यहाँ से और यहाँ से तो इसके आजू बाजू इसके सराउंडिंग एयर से ये बहुत भारी है ये बहुत सॉरी ये बहुत गर्म है ये बहुत गर्म है गर्म होगा हल्का होगा एक्सपेंड करेगा ऊपर जाएगा ऊपर जाके ये अब अपना जो होल्ड है मॉइस्चर का उसको पकड़ के नहीं रख सकता तब वो अपने आप को वो सॉलिड से वो क्या करेगा कंडेंस करेगा तब वो बनाएगा सीधा क्लाउड एंड क्लाउड विल गिव अस द रेनफॉल और इसमें से प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल जो भी है वो यहाँ से ही आएगा ठीक है तो ये बेसिक सी चीज है ठीक है In latent heat of condensation move more heated, then it will move more upward and cloud formation will bring the rainfall and instability. ठीक है अब समझो कि अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो भी इसका मॉइस्चर था ऊपर जाते जाते सूख गया ठीक है सूख गया तो ये सीधा वो यहाँ पर गिरेगा फिर से वो गिर जाएगा ऑफकोर्स क्योंकि उसमें जितना भी मॉइस्चर था वो सूख गया तो अब वो ऊपर वो कहाँ जाएगा उसको तो गिरना ही है ना तो फिर से आगे धरती पे गिरेगा और तब ये फॉर्म करेगा एंटी साइक्लोन तब ये फॉर्म करेगा एंटी साइक्लोन क्योंकि यहाँ पर अब ना ही बारिश होगा ना ही स्टेबिलिटी क्रिएट होगी हियर विल बी द क्लियर स्काई इट विल बी द मींस एवरीथिंग हियर इज ओके यहाँ पर रेनफॉल कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अभी इसमें मॉइस्चर पता ही सीधा ये नीचे आए कोलाइड कर जाएगा जमीन पे जब जमीन पे कोलाइड कर जाएगा तो यहाँ पर इट विल बी द क्लियर मींस एवरी यर 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 विल बी द स्टेबिलिटी क्लियर स्काई नो रेनफॉल यर विल बी द स्टेबिलिटी क्यों वो ऊपर क्यों जा रहा है वो ऊपर क्यों जा रहा है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है ठीक है वो उसके ऊपर से वो गर्म हो रहा है ऊपर जाते जाते जब उसका मॉइस्चर खत्म हो गया और वो अगल बगल के एयर से वो कोल्ड हो गया तो वो क्या करेगा तो वो तो गिरेगा ही ना जब उसके पास मॉइस्चर था तब वो मॉइस्चर के वजह से वो कंडेंस कर रहा था सॉलिड पार्टिकल के साथ जब उसमें मॉइस्चर ही नहीं है तो वो करेगा क्या उसको तो गिरना ही गिरना है और जब वो नीचे कोलाइड होगा तब वो फॉर्म कर देगा एंटी साइक्लोन मतलब यहाँ पर सब स्टेबिलिटी रहेगी इनस्टेबिलिटी कहाँ पर आएगी जब जहां पर ऊपर आएगा और जहां पर साइक्लोन आया ठीक है इतना तक क्लियर है जब उसने पूरा पाथवेज ये कर दिया है कि ये रीजन में मॉइस्चर है तो ऊपर जा ही नहीं सकता मतलब मुझे सेल लाइक क्रिएटेड लाइक बेसिकली अ पाथवे यहां पे मॉइस्चर वर्जन कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे कैसे तो आप भी वो जब उसको समझ में आएगा कि उसके यहाँ से अगल बगल से बड़ा सा ठंडा हो रहा तो अगर उसको अगर ऊपर जाते जाए तो उसको और हीट मिलेगा तो वो और ऊपर जाएगा और जब वो और ऊपर जाएगा तो वो और कंडेंस करेगा तो वो हमें देगा रेनफॉल अगर यहीं पर अगर ऊपर जाते जाते उसका मॉइस्चर ही सूख जाएगा ठीक है तो क्या करेगा तो कंडेंस कर ही नहीं पाएगा और ना ही वो क्लाउड बना पाएगा तो वो सीधा गिरेगा नीचे धड़ाम से तो उसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन ठीक है जब साइक्लोन
ऑफ कोर्स तो होता ही तो है, हम तो देखते हैं कि क्या बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है, थोड़ी देर में देखते हैं कि सब बादल एकदम आसमान सा बारिश, कोई नाम निशान नहीं। लेकिन अभी उसको ऐसा एग्जाम्पल बारिश वो भी है, क्योंकि जब वो आएगा तब वो जब वो पहाड़ से टकराएगा वो अभी स्टैंडर्ड उसका बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको वो मैं बेसिक से मैं सिखाने में चालू कर उसका नो ये डिस्ट्रक्टिव क्या करेगा, ये तो एंटीसाइक्लोन है ना, ये कहां से डिस्ट्रक्टिव करेगा, इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव। यहां पर सब स्काई सब क्लियर रहेंगे, यहां पर स्टेबिलिटी बना के रखेगा ये, बस समझ में आया। अब यहां पर क्या होगा, हियर विल बी द हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, समझ में आया, यहां पर हाई प्रेशर ग्राउंड के ऊपर वो बना है, तभी तो वो उसको एरे देखते वो छोड़ रहे हैं नीचे। अब उसमें कोई दम है ही नहीं, अब उसमें कोई दम है ही नहीं, तो इसका मतलब अब यहां पर जो हाई प्रेशर है अब यहां पर बना है, क्योंकि जमीन अभी ठंडा है, ठीक है, जमीन जब ठंडा है तभी तो यहाँ पर वो गिरा, लेकिन जमीन गर्म रहेगा तो यहाँ पर गिर पाता नहीं, गिर पाता ना, अगर यहाँ पर जमीन गर्म रहता तो इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर रहता, तो क्या वो हवा यहाँ पर गिर पाता, नहीं गिर पाता, जब यहाँ पर जमीन ठंडा है यहाँ पर हाई प्रेशर है तभी तो यहाँ पर वो गिर पाता, ठीक है, तो फिर से साइकिल फिर से वैसा ही चलेगा, फिर से एयर यहाँ पर गिरेगा, विंड ब्लो होगा, ग्लो होते होते फिर से अगर वो ऐसे रीजन में पहुंचेगा जहां पर लैंड हीट बहुत ज्यादा है तो फिर से हीट होगा, फिर से हीट होके फिर से ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर जाएगा मॉइस्चर हुआ तो ठीक बरस जाएगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ से वो कुछ एयर यहाँ पर भागेंगे, कुछ एयर यहाँ पर भागेंगे, और भागते भागते इन लोगों का जो है यहाँ से अब वो अलाइट करने लग जाएंगे, जब वो नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बन गया लो प्रेशर। अब कनेक्ट करते चलो, क्योंकि आगे जो हेडली सेल या पैरल सेल जो मैं सिखाने वाला हूँ वो कुछ इसी ही टाइप का है, ठीक है, अब कनेक्ट करते चलो। यहाँ पर गिर गया विंड क्योंकि यहाँ पर था हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर है ना, ठीक है, यहाँ पर हो गया हाई प्रेशर। अभी यहाँ पर इसके कंपैरेटिवली ये पार्ट के कंपैरेटिवली यहाँ के जो लैंड है इसको ज्यादा हीट मिल रहा है, भले ही ये गर्म है, ये लैंड गर्म है, लेकिन ज्यादा तो हीट किसको मिल रहा है, जो तो फिर लो प्रेशर कहाँ पर बनाएगा, इस साइड बनाएगा उस साइड बनाएगा, ऑफकोर्स इस साइड बनाएगा। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको क्या सिखाया था कि विंड विल ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर विंड गिर गया, यह बन गया अपना हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बनने के बाद में यहाँ पर बन गया यहाँ पर लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर सीधा सनलाइट इसको मिल रहा है, कंपैरेटिवली ये बहुत गर्म है, तो विंड फिर से यहाँ पर ट्रेवल करेगा, जब विंड फिर से यहाँ पर ट्रेवल करेगा तो वो फिर से गर्म होगा तो फिर से ऊपर उठेगा, मॉइस्चर रहा तो ठीक क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे और वो बरस जाएगा, जब बरस जाएगा तो फिर से उसमें जो भी मॉइस्चर है खत्म हो जाएगा, तो एयर फिर से यहाँ पर भागना चालू होगा, वो फिर से यहाँ पर भागना चालू होगा, तो वही साइकिल वो चलते रहे, ठीक है, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है वहां पर लो प्रेशर, वो सालों साल वैसे ही चलता रहे, वो सन का लाइट वो सब सन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, वो जहां पर ज्यादा हाई प्रेशर लो प्रेशर बनाएगा तो ऐसा साइकिल वो बनाएगा ही बनाएगा, समझा समझा पक्का, ठीक है। सिद्धेश भाई, सिद्धेश है, इसका फुल कोपर पे जो है।
अब बात करेंगे एब्लाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, एब्लाबेटिक लैप्स रेट, रेट एट विच एयर पैकेट कूल वाइल राइजिंग, ठीक है। अब मैंने बोला कि एयर पैकेट ऊपर जाएगा वो कहीं तो कूल होगा, तो किस रेट पे कूल होगा, वो कितना कूल होगा, वो सब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सविंदर सिंह का बुक मैंने यूज किया, ठीक है, सविंदर सिंह, ठीक है, बट इट इज फॉर द ऑप्शनल, आप लोग के लिए जितना जरूरी है उतना मैंने निकाल लिया, ठीक है। सविंदर सिंह एनसीईआरटी माजी दूसर, जितना भी है आप लोग के काम को मैं निकाल चुका, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा बुक, क्योंकि वो ऑप्शनल वाले के लिए, अगर आप पढ़ने बैठोगे देन योर माइंड विल टोटली डाइवर्ट, जितना है आपके काम का उतना मैंने निकाल दिया। मैंने बोला था कि जब एयर ऊपर उठेगा तो कहीं तो जाकर कूल होगा, तो वो कितना किलोमीटर पे कितना परसेंट और वो कितना कूल होगा उसके बारे में बताया गया है एब्लाबेटिक लैप्स रेट। मैंने सोचा कि अगर प्रेशर में पूछा जाएगा या मीटर पूछा जाए तो ये क्यूटी यूज होगी, तो इसको भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। एवरेज क्या है, मतलब हमेशा ये ऐसा ही काम कर रहा, बस आपको एक एवरेज निकाल के दिया है, ठीक है, तो उसका एवरेज रहेगा आपको 6.4 डिग्री पर किलोमीटर, ठीक है, जाएगा कम होगा, कूल डाउन होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, द रेट एट विच एयर पैकेट कूल वाइल राइजिंग, तो वो कितना कूल होगा, तो 6.4 डिग्री पर किलोमीटर, ठीक है, ये एवरेज आपको बता दिए, ये एग्जैक्ट नहीं पता, इट इज अ एवरेज, ठीक है। एयर पैकेट गेट कूल बिफोर बाय 6.4 डिग्री आफ्टर कवरिंग अ 1 किलोमीटर अपवर्ड, ठीक है। इफ द एयर पैकेट हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, इफ इट हैज द हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड नॉट गेट कूल, सो द एयर इज फास्ट एंड इट इज द फिट, ठीक है। और जब वो ज्यादा वेट रहेगा, जब एयर में ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, तो वो कूल करेगा 4 डिग्री पर किलोमीटर। जब एयर ज्यादा कूल रहेगा, ज्यादा वेट रहेगा, ठीक है, जब वो ज्यादा, जब एयर वेट रहेगा, वेट मतलब जब एयर में ज्यादा मॉइस्चर रहे, ठीक। आगे बात करते हैं, जब एयर ड्राई रहेगा, when air is dry, then it will be 10 degrees Celsius per kilometer. क्योंकि इसमें तो मॉइस्चर कम है, तो वो तो और जल्दी कूल होगा, ठीक है, वो और जल्दी सूखेगा, तो 10 डिग्री पर किलोमीटर, तो ये उसका एवरेज निकालने के लिए दिया गया था आपको, ठीक है, 6.4 डिग्री किलोमीटर, लेकिन जब वेट रहेगा तो 4 डिग्री किलोमीटर, और जब एयर ड्राई रहेगा तो 10 डिग्री किलोमीटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्लाबेटिक लैप्स रेट। इसमें मैंने एक जगह मैंने बुकिश लैंग्वेज भी मैंने एक बार लिखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि बुक में इसी सिंपल चीज को ऐसा बताया जाता है कि आपको समझ में नहीं आता, वो अभी नहीं है, आगे आपको
आपको बताऊंगा इसके से मैंने लिखा ये पता नहीं इसके से मैंने लिखा तो मुझे भी ना आई विल टॉक अबाउट द एयर प्रेशर ठीक है इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग को मैंने जहां तक समझाया वो सब समझ में आया पक्का समझ में आया क्योंकि अगर यहाँ तक समझ में आया तब भी जाके आगे का लेक्चर इजी हो पाएगा समझ में आया तो घर पे जाके इसको रिवाइज कर लेना मैंने क्या सिखाया इसको रिवाइंड कर लेना तब जाके आपके दिमाग को पूरा क्लियर बैठ जाएगा फिर बाद में आपको कोई भी बुक पढ़ने की या कोई भी लेक्चर सुनने की यूट्यूब पे जरूरत नहीं पड़ेगी और क्लाइमेटोलॉजी का यूट्यूब पे कभी लेक्चर सुनना भी मत क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सर और उन लोगों का अलग अलग एस्पेक्ट उन लोगों का अलग अलग लेक्चर वो और आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे ठीक है क्योंकि जो भी जर्नलॉजी और ओशनोग्राफी का वो तो मतलब आप उसको जितना पढ़ोगे उतना वो याद हो जाएगा लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में ऐसा नहीं है जितना समझोगे उतना याद रहेगा क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स है और वहां पर मतलब रट्टाफिकेशन भी आदमी करके जाता है तो आपको कोई गरज नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया देन यू विल गेट अ फुल मार्क्स इन द टेस्ट क्लाइमेटोलॉजी ठीक है क्लाइमेटोलॉजी में आपको फुल मार्क्स आ जाएगा तो अगर आपको समझ में आ गया ये बेसिक चीज इसी में पूछ रहा यहाँ तक समझ में आया आया अब हम लोग बात करते हैं एयर प्रेशर एयर प्रेशर मतलब क्या होता है यू एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ कोई बात नहीं रॉन्ग हो तो भी चलेगा बट एक्सप्लेन अपना मुंह खोल क्या होगा एयर प्रेशर मतलब क्या होगा एयर प्रेशर आपको मैं एक में उसका मैं डेफिनेशन भी दे देता हूँ ठीक है डेफिनेशन भी भेज दे देता हूँ एयर प्रेशर इज द ये बुकिश लैंग्वेज air pressure is those that weight of column of air at any given place in time so it is a definition weight column see air pressure is those the weight of column of air at any given place and time यही हो गया ठीक है यही हो गया इसका डेफिनेशन ठीक है अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच एनवलप द एयर सरफेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर ठीक है अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच एनवलप्स द ये मेरा लैंग्वेज ठीक है ये मेरा लैंग्वेज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच एनवलप द अर्थ सरफेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर exert condensable amount of the pressure over the earth surface ठीक है वहाँ पर condensable का amount नहीं रहता है of course atmosphere में तो condensation में जो भी condensed air रहता है तो उसका भी amount रहेगा ना air surface पे ठीक earth surface पे ठीक atmospheric pressure is the maximum at sea level measured by the mean of instrument called the barometer ठीक है ये प्रेशर को किससे पैरामीटर से उसको देखा जाएगा कि ये कितना एयर प्रेशर है उससे क्या कैलकुलेशन होगा पैरामीटर से एयर प्रेशर कैलकुलेट होता है तो इट विल बी मैक्सिमम एट सी लेवल वो जितने जमीन के पास रहे वो मैक्सिमम रहे और जैसे कि ऊपर जाएगा वो लो बनते जाएगा ना आई विल शो यू द एग्जांपल ठीक है ये अर्थ का प्लेस है मतलब एक लेयर है जमीन है और यहाँ पर मैंने पकड़ लिया एक कॉलम ठीक है एक कॉलम मैंने पकड़ लिया मैंने क्या बोला था कि ग्रेविटी की एयर के ऊपर इफेक्ट डालता है ठीक है उसको पकड़ के रखने को मदद करता है ठीक है एयर प्रेशर क्या हो रहा था कि यहाँ पर कितना एयर ये कॉलम पे कितना एयर ये गिवन प्लेस पे वो कितना प्रेशर डाल रहा है ठीक है तो एयर प्रेशर कुछ नहीं है सिंपल वर्ड्स में यही है ठीक है एयर प्रेशर ये गिवन कॉलम में एयर प्रेशर ये गिवन प्लेस पे कितना वो प्रेशर डाल पा रहा है ठीक है तो एयर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे रहते हैं नीचे वो एक दूसरे के पास ही रहेंगे सब ठीक है एकदम छिटके हुए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ठीक है एक दूसरे के एकदम पास रहेंगे एकदम पास यहाँ तक ये सब एक दूसरे के पास ही रहेंगे ठीक है एकदम पास और जैसे ही वो ऊपर जाते जाएंगे देन देयर वुड बी टोटली फ्री
ठीक है, वो अपने आप को वहां का जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को एक्सपेंड करना चालू करें, वो अपने आप को एक्सपांड करना चालू करें, और यहाँ पर तो वो सब जगह मतलब एक दूसरे को एकदम उन्होंने पकड़ के रखा है, पकड़ के मतलब एकदम आजू बाजू में एकदम करीब में, और यहाँ पे वो अपने आप को एक्सपांड करना चालू करें, ठीक है, समझ में आया। और जैसे ज्यादा प्रेशर ऊपर से बनेगा, अगर यहाँ पर बनेगा जब वो नीचे वो आएगा कंडेंस हो गया, तो वो ज्यादा प्रेशर फिर से कहाँ पर डालेगा, इन अ गिवन कॉलम एट अ गिवन प्लेस पे ही वो ज्यादा प्रेशर डालेगा, उसके लिए ज्यादा एयर यहाँ पर आएंगे, ये लेवल पे आएंगे, और वो फिर से यहाँ पर ज्यादा वो एक दूसरे के साथ वो और मिलेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर वो फ्री रहता है, वो अपने आप को एयर मॉलिक्यूल्स वहां पर बहुत एक्सपांड कर पाते, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द एयर प्रेशर, इट इज द कॉलम ऑफ एयर, वो कितना प्रेशर डालता है एट अ गिवन प्लेस एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्लेस पे वो कितना प्रेशर डालता है, वो एयर का कॉलम, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन हमारे जो भी है रेनफॉल या साइक्लोन या आप लोग जो भी बोल लो, ठीक है, गर्मी आ रही है, ठंडी आ रही है, या जहां वहां का हवा वहां पर जा रहा है, ठीक है, वहां से ठंडा हवा आ रहा है, फिर यहाँ से गर्म हवा आ रहा है, हॉट विंड कोल्ड विंड जो भी है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्ले द वाइटल रोल इन दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। So atmosphere circulation is the large movement of air and together with the ocean circulation, with this is the mean by the thermal energy which is redistributed on surface of earth, ठीक है। Atmospheric circulation क्या रहता है, वो air का तो circulation रहता ही, plus वो ocean का भी circulation रहता है, याद करो ocean का मैंने क्या सिखाया, it is due to the थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मतलब सन के, सन का हीट के वजह से जो भी सर्कुलेशन बनेगा वो सिर्फ एयर का नहीं रहेगा, इट विल आल्सो द ओशियन सर्कुलेशन। मैंने क्या सिखाया था ओशियन करने में, कि अगर यहाँ पर ज्यादा हीट बढ़ा तो पानी हल्का हो जाएगा तो वो ऊपर से जाएगा, और जब वहां पर ज्यादा ठंडापन हो जाएगा तो वहां पर पानी नीचे कोलाइड कर देगा और वो यहाँ पर बढ़ना चालू हो जाएगा, इस साइड बढ़ना चालू हो जाएगा, और जो वहां पर गैप बनाएगा पानी तो उसको भरने के लिए ऊपर से ये हीट पानी जाएगा, ठीक है, और जब वो नीचे से ऊपर आएगा तो वो क्या लेके आएगा, नीचे से वो जो भी मिनरल्स लेके आएगा ना ऊपर, इसके लिए फिशेज वहां पर आएंगे। तो इट इज द एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन इज द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर एंड टूगेदर द एंड टूगेदर विद ओशियन सर्कुलेशन विच इज द मीन बाय, इसका मीन क्या रहेगा, थर्मल एनर्जी, ठीक है, एयर मूवमेंट भी रहेगा और ओशन सर्कुलेशन भी रहेगा, तीनों को मूव द मीन कौन रहेगा, इट विल बी द थर्मल एनर्जी, ठीक है, सन का हीट, ओके, इतना तक ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते फैक्टर अफेक्टिंग द एटमोस्फियर सर्कुलेशन, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है, 8-9 फैक्टर्स है, बट दिस टू आर द मेन फैक्टर। फर्स्ट वन इज इंसुलेशन ऑफ सन ऑफ कोर्स, और प्रेशर डिफरेंस वही हाई प्रेशर तो लो प्रेशर वाला पिन जो भी पास करता है, तो ये दोनों मेन है व्हिच अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, ओके। अभी इसके बाद तुरंत आएगा सेल फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन सेल फॉर्मेशन को पढ़ाने से पहले आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको दो चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज कोरिओलिस इफेक्ट, ठीक है, कोरिओलिस इफेक्ट जो भी अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स जमता है, ठीक है, कोरिओलिस इफेक्ट, और फिर बाद में आता है IDCZ, ठीक है, ये दोनों जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो जब मैं सेल को मैं पढ़ाऊंगा देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, पक्का समझ में आया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कोरिओलिस फोर्स के, ठीक है, कोरिओलिस फोर्स। अब मैं बुकिश लैंग्वेज में इसको क्या दिया है वो आप लोग सुन ध्यान से, देखिए इसको लिखना है, व्हाट इज द कोरिओलिस इफेक्ट, तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है
वो ब्रिटिश लैंग्वेज है और यहाँ पर मैंने लिखा है माई पॉइंट, ठीक है। तो आपको इसको नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है, आपको सीधा इसको इंक्लूड करना है माई पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पर मैंने और इसको एक्सप्लेन इसी वे में लिखा है। ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या लिखा है, इट इज एन इफेक्ट वेयर अ मास मूविंग इन अ रोटेशन सिस्टम एक्सपीरियंस द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन on the earth, the effect tended to deflect the moving object to the right in the northern hemisphere and left to the southern hemisphere, and it is important to the formation of cyclonic weather system. It is the bookish language, ठीक है। तो bookish language आपको नहीं लिखना है, जो मैंने यहाँ से start किया my points आपको वहां से लिखना है, ठीक है। rotation of earth on its own axis 24 hour, ये कैसे रोटेट करेगा, अर्थ कैसे रोटेट करता है ना, इट इज द रॉन्ग टर्म, आपको सीधा बोलना है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। क्योंकि कितने जन बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो राइट टू लेफ्ट, तो ये बोलना ही गलत है, सीधा ये बुक में ही लिखा है और अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बुक में ही लिखा है। तो जब भी कोई भी आपको पूछेगा हाउ द अर्थ रोटेट, ठीक है, तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कौन से डायरेक्शन में घूमता है, तो वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को लेकिन बुक नहीं है, आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आप अगर ये लिखोगे मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो एग्जामिनर भी सर तो सिंपल लैंग्वेज हो ना, आप उसको इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे, वेस्ट टू ईस्ट, मैं तो आपको और तो सिंपल करके बता रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट, कितने जन बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट, ये चीज का मोर रॉन्ग थी, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा रहा हूँ तब मैं बोलूंगा लेफ्ट टू राइट, जब मैं ऐसे खड़ा रहा हूँ तो राइट टू लेफ्ट, लेकिन तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, तो इसके लिए बेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। कोरिओलिस इफेक्ट इज एक्सपीरियंस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट ओन एक्सिस, देखिए वो जो बोलते हैं ना कोरिओलिस फोर्स, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, बस उसे एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है, वो एक फोर्स नहीं है, वो एक एनर्जी नहीं है, बस उसे एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैरी गो राउंड को देखा है ना, जैसे कि एकदम फास्ट घूम रहा है, ठीक है, जैसे कि हम सब तीनों मतलब एकदम घूम रहे फास्ट, अगर मैं आपके पास ऐसे बॉल फेंकूंगा तो सीधा आपके पास नहीं जाएगा, वो जो फोर्स वो जनरेट कर रहा है कोरिओलिस फोर्स, तो आपके पास में जो मैं बॉल फेंकूंगा तो वो सीधा जाके गिरेगा जमीन पे, नहीं तो वो सीधा जाएगा अंशुल के यहाँ, ठीक है। अगर मैं वहां पर ऐसे अगर मैं इस हाथ से बॉल फेंकूंगा अंशुल की तरफ, तो वहां पर ना जाके वो सीधा या तो वहां पर जाके गिरेगा या वो आपको हिट करेगा, तो यही होता है इफेक्ट है कोरिओलिस फोर्स का, ठीक है। इट इज नॉट अ फोर्स, लेकिन उसे आप मतलब एक महसूस कर सकते, ठीक है, कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। Coriolis force is experienced due to the rotation of earth on its own axis, ठीक है। Coriolis force as equator is zero, ठीक है, इक्वेटर पे वो जीरो होता है और पोल पे वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, ऐसा क्यों, why because zero, नहीं नहीं पोल्स पे मैक्सिमम होता है, कंफ्यूज मत होना, पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे जीरो होता है, उसका भी मैं आपको बताता हूं। सी इट इज द अर्थ, ओके, इट इज द अर्थ, मान के चलो ये तो अभी तो लग ही नहीं रहा, हो वो एक कर देगी, रब कर दे जरा वापस ना काम से रहो, अब कुछ ठीक है, ठीक है। देखो अब इसको मान के चलो कि ये इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पर जम गया पोल, यहाँ पर भी है पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया ऊपर, साउथ पोल हो गया ऊपर, साउथ पोल हो गया नीचे और नॉर्थ पोल हो गया ऊपर। अब यहाँ पर तो ये पूरा ये राउंड हो रहा है ना, पूरा राउंड हो रहा है 360 डिग्री,
360 डिग्री है ना, ये पूरा राउंड तो 360 डिग्री है ना। अगर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, और इसको अगर मैं बोलूं तुझे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाना, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इसको मैं बोलूंगी तुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, तो वो कितना राउंड मारेगा? उसे तो पूरा 360 डिग्री घूमना पड़ेगा ना। अगर ये आदमी को पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अर्थ को जितना तेजी से घूम रहा है, तो उसको ऊपर से तो उसको और 360 डिग्री घूमना पड़ेगा ना। बात ये रहता है कि दोनों का टाइमिंग सेम है, ठीक है, लेकिन ये आदमी को इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना ही टाइम लगेगा, और ऊपर वाले आदमी को वही टाइमिंग कंप्लीट करने में, वही डिस्टेंस कंप्लीट करने में उतना ही टाइम, बिकॉज उसको 360 डिग्री घूमना है और इसको सीधा जाना है। उधर मैं बोल रहा था कि उधर घूमने को कम टाइम लगेगा, और ये जगह पे पूरा सर्कमफेरेंस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। किधर सर्कमफेरेंस? मतलब इक्वेटर पे सी, और पोल पे एक्चुअली जगह कम है, लाइक रोटेट होने के टाइम भी, समझ रहे हो थोड़ा सी ऊपर सी। आर यू टॉकिंग लैंड वाइज? ट्विस्टिंग कहां पर हो रहा है? ज्यादा ट्विस्ट कहां पर? पोल पे ज्यादा ट्विस्ट कहां पर? जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे ट्विस्टिंग बढ़ेगा, और जैसे ट्विस्टिंग बढ़ेगा वैसे कोरिओलिस इफेक्ट भी ज्यादा बढ़ेगा, और इक्वेटर पे ट्विस्टिंग कम है, यहाँ पर ज्यादा एकदम सपाट है। हां 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 समझ रहा हूं, उधर हवा ऐसा घूमता रहेगा जल्दी, बट इधर टाइम लगेगा सर। हां टाइम पे, ठीक है, आपने बोला कि इक्वल टाइम है, डिफरेंस लैटिट्यूड है, ठीक है, सब लैटिट्यूड एक ही स्पीड में नहीं घूमता, इतना बात रखें, सब स्पीड में एक ही लैटिट्यूड नहीं घूमता, डिफरेंट स्पीड डिफरेंट लैटिट्यूड, ये बात याद रख। यहाँ पर डिफरेंट लैटिट्यूड है, यहाँ पर 0 डिग्री है, ऊपर बाद में 30, 60, 90 ठीक है, तो जो यहाँ पर जो इक्वेटर का जो रहेगा ना वेलोसिटी, यहाँ पर का वो हाई रहेगा, और जैसे ही अर्थ ऊपर तक पहुंचेगा तो अर्थ का वेलोसिटी लो होते जाएगा, ठीक है, लो होते जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग। ऊपर जैसे अब यहां से ऊपर हो गए, ट्विस्टिंग भी बढ़ेगा, वेलोसिटी लो होगा, और कोरिओलिस इफेक्ट भी बढ़ेगा, और यहाँ पर वेलोसिटी कम है, ज्यादा है, ट्विस्टिंग कम है, यहाँ पर आपको कोरिओलिस फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। यही एक कारण होता है कि इक्वेटर पे 0 डिग्री रहता है कोरिओलिस इफेक्ट। आपको समझ में आ रहा है सर? इक्वेटर पे फोर्स मतलब स्पीड ज्यादा ये रहता है, कम होता जाएगा, और सारे सर मतलब एक्चुअली रिमेंबर तो ऊपर कम होते जा रहा है, राइट, तो कोरिओलिस इफेक्ट उधर ज्यादा रहेगा, ठीक है, राइट सर? वही मैं बोल रहा हूं, इसको उतना ही सर्कमफेरेंस की वजह से इतना ही टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि इक्वेटर इसके कंपेयर में ये फास्ट घूम रहा है, ठीक है, और ये स्लो घूम रहा है, समझे? तो मेरा बताने का मतलब ये, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा, तो इसके लिए इसको यहाँ तक यहाँ पर पहुंचने में कम टाइम लगेगा, और वहां पर स्पीड कम है, तो इसके लिए उसको उतना ही घूमने में उतना ही टाइम लगेगा कि जितना इसको इतना कवर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लग रहा है, समझा? उसको ऊपर स्लो हो रहा है, एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तुमको एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो दोनों को टाइम एक ही रहेगा, भले ही उसको सिर्फ उतना ही सही कवर करना और इसको इतना सारा कवर करना है, लेकिन दोनों को टाइम एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और ऊपर वेलोसिटी कम है, ठीक है, जैसे आप इक्वेटर से ऊपर बढ़ोगे
तो क्या होगा, मैंने आपको बताया, चलो बोलो, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ऊपर जाओगे नीचे से अगर आप पोर्ट पे जाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, ट्विस्टिंग बढ़ेगी, ट्विस्टिंग तो बढ़ी रही है ना, ट्विस्टिंग बढ़ेगी, जब ये सब होगा तब क्या होगा, ट्विस्टिंग बढ़ने से और ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, कोरिलेटिव इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होने से और ट्विस्टिंग बढ़ने से क्या होगा, कोरिलेटिव इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर मैक्सिमम इसके वजह से रहेगा क्योंकि यहाँ पर ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो है विंड का वेलोसिटी या मतलब सॉरी जो भी उसका घूमने का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर कम है, ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर इतना ट्विस्टिंग नहीं है, तो इसके लिए कोरिलेटिव इफेक्ट यहाँ पर जीरो रहता है, समझा? ओके, ये बेसिक समझा आपको? ओके, इज अ फ्लैट एट पोल्स, इज अर्थ फ्लैट एट पोल्स, ऑफ कोर्स ना, तो तभी फ्लैट एट पोल्स में जा रहे हैं, नहीं नहीं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, विंड डिफ्लेक्ट, विंड डिफ्लेक्ट, विंड विंड जो रहता है वो करली से इफेक्ट से या उसके फोर्स से डिफ्लेक्ट होता है, विंड डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में जो विंड विंड रहता है वो डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट साइड में, मैं आपको डायग्राम ये दिखा, ठीक है, अब देखो आईटीसीजेड और इक्विटर का मजा दो, कितने लोग आईटीसीजेड और इक्विटर का मतलब आईटीसीजेड वो क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ये तो लिस्ट पर है, आईटीसीजेड मतलब कुछ नहीं रहता भाई, वो एक लो प्रेशर, वो एक लो प्रेशर रीजन रहता है जहां से सब विंड आएंगे वहां पर कन्वर्ज होंगे और वो उठे मतलब ऊपर जाएगा, तो उसी एक बेल्ट को बोलते हैं, वो आईटीसीजेड क्यों बोलते हैं कि उसी साथ पूरे साथ उसका भी ज्यादा लो प्रेशर रहेगा क्योंकि उसको ही ज्यादा इंसुलेशन मिलेगा सन से, वही ज्यादा गर्म रहेगा, ठीक है, तो जो भी जहां से भी हवा आएंगे वो ज्यादा कन्वर्जन वहां ही होगा, और कितने लोग बोलते हैं, मैंने अक्सर ज्यादा लेक्चर को भी सुने कि आईटीसीजेड इज नथिंग बट इट इज द इक्वेटर, जो कि बिल्कुल गलत है, इक्वेटर अगर यहाँ पर है, इक्वेटर यहाँ पर है जीरो डिग्री, तो आईटीसीजेड उससे थोड़ा सा हटके रहेगा, आईटीसीजेड थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो इसको बोलते हैं आईटीसीजेड, अगर कोई भी बोले कि आईटीसीजेड इज नथिंग बट इट इज इक्वेटर, तो उसे ये समझा देना आईटीसीजेड मतलब इक्वेटर नहीं रहता, इक्वेटर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इट इज जीरो डिग्री सेल्सियस, और जो आईटीसीजेड है उसको थोड़ा नीचे रहेगा, इसको डिग्री क्या मतलब वही फाइव मतलब थोड़ा सा इक्वेटर से थोड़ा सा ही नीचे रहेगा, वो ऊपर भी रह सकता है, ये तुम मत सोचिए वो हमेशा नीचे रहेगा, वो ऊपर भी रहेगा, आगे मैं आपको समझ सिखाऊंगा, बस मैं आपको एग्जांपल के जरिए आपको समझा, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया लो प्रेशर, ठीक है, अब यहाँ से विंड कन्वर्ट हो, इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पर जो भी विंड विंड आया, विंड आएगा यहाँ से जो भी आएगा वो सब रहेगा ट्रेड विंड, ठीक है, वो सब रहेंगे ट्रेड विंड, तो ये यहाँ पर आएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्ली, नाम सुना है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली साउथ, हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और यहां पर आएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, तो यहाँ पर अब जो भी है, अब यहाँ पर ये विंड जो है वहां पर कन्वर्ज हो, सब यहाँ पर आ गए। जो नॉर्थ ईस्ट वाले है वो आईडीसी सेट को क्रॉस नहीं करेंगे, सब यहाँ पर ही आए, वो इन लोग को सब यहाँ पर ही आना, एक जगह पे मिल रहे हैं, यहाँ पर ही आके वो कन्वर्ज होंगे, आईडीसी सेट में मिल रहे हैं सर, हाँ सब सब जगह से आके उन्हें यहाँ पर मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, तो सब यहाँ से मतलब ये यहाँ से भाग के आ रहे हैं, यहाँ से भाग के आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन लोग को यहाँ पर कन्वर्ज होना, इन लोग को आईडीसी सेट से मिलना है, ठीक है, तभी जा रहे यहाँ पर आईडीसी सेट में, देखो मैं जहाँ पर आईडीसी सेट रहेगा वहां पर ज्यादा रेनफॉल रहता ही रहेगा, ठीक है, आईडीसी सेट का फुल फॉर्म मेरा इन कहां पर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ठीक है, तो ये है, तो देखो यहाँ से ये ऐसे भाग रहा है और यहाँ से ये ऐसे भाग रहा है, वही तो लिखा जा रहा है आपको, ये ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओ माय गॉड, सी राइट डायरेक्शन इन नॉर्थ, नॉर्थ के वो जो भी जाएगा, अगर नॉर्थ का वो राइट डायरेक्शन, ठीक है, वो ऐसे वो यहाँ पर वो यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, तो नॉर्थ राइट डायरेक्शन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, जिसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है, नॉर्थ में वो राइट जाएगा, जब राइट जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, और साउथ में वो लेफ्ट जाएगा, जब लेफ्ट जाएगा तो वो क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है, लेफ्ट में वो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो वो क्लॉकवाइज तो जा रहा है, और जब वहां से वो नॉर्थ में आएगा, ऐसे आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, समझ में आया यहां तक, हाँ, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कैसे जाएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट राइट टर्न मारेगा, तब उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से साउथ में वो लेफ्ट टर्न मारेंगे उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, इतना क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉलेज फोर्स, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आईटी सीरीज, बहुत सारे कंसेप्ट है इसके लिए, तो मैं घर पे जाके रिवाइज कर लेना, आईटी सीजन मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इसको डोनट ड्रम भी बोलते हैं, डोल ड्रम, ठीक है, It is also known as the doldrum. ठीक है. Area of the low pressure, it is around the equator. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो ऊपर भी जाएगा, वो नीचे भी आएगा. It is around the equator where the trade wind converge. ठीक है. Where the trade wind come and converge. ठीक है. So ITCZ is not at the zero degree. ठीक है, ITCZ is not at the zero degree equator. How it is going to form? ठीक है, how it is get form? North is trade wind, क्योंकि north के side से वो trade की light western trade wind. North is trade wind plus south is trade wind converge and rise up to the heat. अब एक जगह है वहां पर ज्यादा sunlight गिर रहा है, ज्यादा insulation हो रहा है, वहां पर low pressure बन रहा है. तो दोनों साइड से, साउथ साइड से भी ट्रेड वीड आएंगे और नॉर्थ साइड से भी ट्रेड वीड आएंगे, वो दोनों वहां पर मिक्सअप होंगे, मर्ज होंगे, गर्म होंगे, हल्के ऊपर उठेंगे, देन इट विल राइज ड्यू टू द हीट एंड इट विल फॉर्म द क्लाउड, देन इट विल लीड टू द क्लाउड फॉर्मेशन, और तब होगा यहाँ पर
रेनफॉल होगा ना, रेनफॉल होगा ना। आईटीसी में क्या है, आईटीसी में इज नथिंग बट द लो प्रेशर, इट इज द लो लो प्रेशर। ठीक है, जिस जगह पे ज्यादा आईटी सीजन में क्या बोला, हर एक साल मतलब पूरे साल वहां पर उसको ज्यादा टेम्परेचर मिले, हर एक मतलब आप कहीं पर भी आप उसको कंपेयर कर लो, आप इक्वेटर से आईटी सीजन को कंपेयर करोगे ना, उसको पूरे साल उसको ज्यादा ही मिलेगा सनलाइट, वो ज्यादा गर्म रहे आईटी सीजन, आईटी सीजन ज्यादा गर्म रहे इक्वेटर से क्यों ज्यादा गिर जाता। इक्वेटर के सीधा हमेशा क्यों नहीं गिर पाता, बिकॉज ऑफ द टिल, अर्थ वो टिल है ना, तो जब वो टिल रहेगा तो या तो वो नीचे नीचे अगर उस साइड रहेगा तो वो ऊपर रहेगा, तो ज्यादा जहां पर सन का ज्यादा हीट पड़ेगा तो वो जोन वो बेल्ट बन जाएगा ITCZ। तो अगर मैं बोलूं ITCZ follow the sun heat तो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि जहां ज्यादा जहां पर सन का हीट पड़ेगा वहीं पर बनाएगा वो ITCZ, एंड ITCZ वो पूरे साल सबसे गर्म जगह रहेगा। ठीक है, उसका कोई फिक्स नहीं रहेगा, तो वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा हमेशा, ऑफ कोर्स। अगर वहां पर रेनफॉल है और हिम सनबर्न जो भी वहां पर बनाएंगे अलग, तो रेनफॉल तो होगा ही। ठीक है, और उसको कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो इक्वेटर के नीचे रहे, इट डिपेंड अपॉन द सन। ठीक है, इसके लिए वो नीचे बनेगा या तो ऊपर बनेगा। ठीक है, तो इसके आप नहीं बोल सकते वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं, वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके टिल्ट होने का अर्थ है टिल्ट होने पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, okay, ITCZ follow the low pressure, ITCZ follow the low pressure and high temperature, so we know land heat up faster than the water, of course land jo rehta hai wo water se zyada wo fast wo garam hota hai, iske upar question pucha ja chuka hai mains mein, aage main bolta hu, we all know that land heat faster than the water, therefore ITCZ is more active in northern hemisphere due to more land as compared to the sea in south. ठीक है, अगर ITCZ का मैं ज्यादा बात करूं तो वो ज्यादा northern hemisphere में वो ज्यादा active रहेगा, और southern hemisphere में वो active रहेगा, लेकिन इतना नहीं जितना कि वो active northern hemisphere में रहेगा, because south में ज्यादा क्या है, ज्यादा sea है और north में ज्यादा land है, and land is heated more easily, more earlier as compared to the sea. ठीक है, तो ये ज्यादा वो गर्म जल्दी हो जा रहा है, तो इसके लिए जो लो प्रेशर जो ITCZ बनाएगा वो ज्यादा एक्टिव रहेंगे नॉर्थ में, और साउथ में भी रहते हैं लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं जितना कि वो नॉर्थ में रहे। समझ में आया? ठीक है, तो इसके ऊपर ही पूछा गया था व्हाई व्हाई दिस लाइक दो बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पानी है, यहाँ पर ज्यादा सी ऑप्शन है, तो अब पानी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है, जल्दी ज्यादा वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, आज के लिए नहीं, सो थैंक यू for your precious time. Thank you, sir. Yeah. I will consider.